कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एप्वा की प्रदेश सचिव हूँ। जी क्या मामला आज आप लोग ने डीएम कार्यालय को घेरा, डीएम साहब से मुलाकात, क्या मामला? सर पूरा मामला सबको पूरे बनारस को पता चल गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कानों में तेल डाल के बैठा है। 3 महीने से नाबालिग लड़की खुशी पाल गरीब परिवार की, ये उसकी माँ है, गायब हुई है। मौका वारदात पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रही है, और वो तब जाती है जब महिला संगठन के प्रतिनिधि जिलाधिकारी से पिछले हफ्ते मिलने गए हैं। आनन फानन में रात में जाती है। हमें संदेह है पूरा कि शिवपुर थाने की पुलिस गुंडों को बचा रही है, और इसमें चौकी पूरी पुलिस शिवपुर पुलिस की चौकी भी संदिग्ध है, इसकी जाँच होनी चाहिए। वो गुंडों को बता रही है और इसमें संलिप्तता भी है, शिवपुर थाने की संलिप्तता पूरी तरीके से है। हम चाहते हैं कि खुशीपाल के मामले में नाबालिग लड़की है वो, उसके मामले में CBI की जांच हो, इससे कम कुछ नहीं। आज जिलाधिकारी को हम लोगों ने विवश कर दिया नीचे आने के लिए। आज छोटी ताकत से आए हैं, कल बड़ी ताकत से आएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हस पे राजनीति मत करिए। अरे हम लोग कह रहे हैं कि प्रशासन गंदी राजनीति कर रहा है, बेटी बचाओ की बात कर रहा है, और जिला प्रशासन जो है चुप बैठे हुए। जिलाधिकारी ने कुछ भी नहीं कहा कि इतने दिन में न्याय होगा, और वो खाली ज्ञापन लेके चले गए कि हम आपके मामलों को नीचे बता देंगे। इससे काम नहीं चलेगा। बनारस की बेटी है और उस बेटी के लिए पूरा बनारस खड़ा रहेगा। और अगला स्टेट इससे दुगनी संख्या में आएंगे, दुगनी संख्या में आएंगे, घिराव करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे। और जब तक खुशी पाल को, नाबालिग को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। शिवपुर हम लोगों ने उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, हमने कहा हमारी मांग है कि शिवपुर थाने इसकी जाँच ना करे, ये CBI को जाँच दे, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जाए इसकी, ये मांग हम लोगों ने की है। शिवपुर थाने पर आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाया, क्या कुछ मामला था? हमें बिल्कुल संदेह है, क्योंकि देखिए शुरू से ही 4000 रुपए, खुशी की मां ने कहा कि 4000 रुपए वसूले हैं FIR के लिए। FIR तब लिखी जब महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, उसके बाद चौकी इंचार्ज और प्रभारी का निलंबन हो गया। निलंबन न्याय नहीं होता है सर, निलंबन न्याय नहीं हो सकता है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मौका वारदात गुमशुदगी पे पुलिस जाती नहीं है, 3 महीने बीत जाते हैं। एक हफ्ता जब हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जाते हैं, तब रातों रात 9:30-10 बजे पुलिस जाती है और कहती है खुशी कहाँ से गायब हुई, और आज जिस पर शक है वो फरार है, पुलिस उनको क्यों संरक्षण दे रही है? तो इस पूरे मामले में हम पे शिवपुर थाने, शिवपुर चौकी पे कोई भरोसा नहीं है। वो गुंडों का संरक्षण कर रही है, और हो सकता है कि उनकी संलिप्तता भी हो इस मामले में, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए। नामजद मुकदमा कैसे हो सकता है सर? गरीब परिवार के लोग हैं और इनके इनके इनकी हिफाजत का भी सवाल है। ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। हमसे पूछ रही है पुलिस, महिला संगठन कौन है, कौन है, किस पे शक है, यानी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। यूपी पुलिस के पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और योगी सरकार खुद कह रही है कि 24 घंटे में न्याय मिलेगा, और हम कह रहे हैं कि योगी जी बताइए, यहाँ तो 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 4 महीने होने के आ रहे हैं, नाबालिग लड़की का कुछ पता नहीं है, आप बताइए न्याय कहाँ हो रहा है? मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है ये, बेटी बचाओ की बात हो रही है, और यहाँ पर बेटियाँ लापता हो रही है, अपहरण करी जा रही है। अभिलाषा पाल जी, खुशी पाल आपकी बेटी हैं। हाँ। कब गायब हुई, क्या कुछ मामला रहा, किस पे सर? मामला सर यही था कि एक लड़का था शिवपाल ने, उसी ने उस खुशी को गाली गलौज दिया, तब खुशी ने आकर उसके घर पे जाके कही कि देखिए हमको ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उस शिवपाल ने कहा कि माधर चौथ तोके ऐसा गायब कर दे तोके पता न चली। उसी के 5-6 दिना के बाद मेरी लड़की गायब हो गई। अच्छा, तो पुलिस पुलिस थाना जब जाती उसके घर नहीं जाती, दूसरे के घर जाके हमारे घर से जाके बस चली आती। हमसे 4000, हमारी बेटी है, शिवपाल बगल का लड़का है। हाँ, पहले की जाती दुश्मनी या किसी तरीके का टकराव, कोई विवाद लफड़ा? जैसे विवाद लफड़ा नहीं था, उसी से जलता था। और सर आज जिस तरह से जिलाधिकारी पुलिस जाता है तो कहता है कि जब आएगा शिवपाल तो आप हमको फोन करना, जब हम सामने रहता है हम मिले। आप आश्वासन नहीं दिया, शिवपाल फरार था 22 दिन, फिर एस में है, उसको पुलिस हमारे घर जब गया तो बोले कि फोन करना, शिवपाल जब आएगा तो फोन करना, तो हम बोले कि सर हैं जाके पकड़ लो, तो नहीं पकड़े, हमका हिम्मत नहीं है तो पकड़ोगे क्या, जब दबाव पड़ती है तब तुम आते हो, ऐसे तो नहीं आते हो। बेटी को
इस लड़की को न्याय दो, सर आप घर से खुशी पाल की माँ को और हम महिलाओं के जो प्रतिनिधि है बार मेरे सामने मेरे हमारे साथ आएंगे, हर बार हमारे साथ आएंगे। नहीं नहीं सर आपके सामने हमने फोन किया थे, याद है टीम वगैरह दिल्ली में गया, गाजियाबाद दिल्ली में गया ना, ये ना लोकेशन। सर एक मिनट आप हमारी बात सुन लेंगे। सर ये जो जितनी भी हम लोगों ने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस भी है, जब आपकी पुलिस फेल हो गई इस गरीब को न्याय दिलाने के लिए, रिश्वत ली घूस ली उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई, हम लोगों को नहीं सुनिए सुनिए हम लोगों के माध्यम से 22 अप्रैल को खुशी पाल की नाबालिग में अपहरण की FIR दर्ज होती है। 3 महीने गुजर गए सर मौका वारदात पर, अभी भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं गई, जो फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो तब गई जब उनको पता चला कि महिला संगठन के प्रतिनिधि पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आनंद फानंद में रात के 10 बजे पुलिस जाती है और कहती है कि बताइए शौच का वो रास्ता और पीछे वो जंगल का रास्ता कहाँ से खुशी गायब हुई है, और आज तक खुशी के लिए वहाँ थाना प्रभारी का सिर्फ निलंबन हुआ है। और हम कहना चाहते हैं सर कि निलंबन न्याय नहीं होता, चौकी रंचार जो पूर्व विवेचना अधिकारी थे उनको भी निलंबित कर दिया गया, और हम ये कहना चाहते हैं निलंबन न्याय नहीं है, विवेचना अधिकारी जो पूर्व है उनकी जाँच होनी चाहिए और उनकी संलिप्तता साफ स्पष्ट नजर आती है। शिवपुर थाने पे हम पे भरोसा नहीं है, वो अपराधियों और गुंडों को बचा रहे हैं, वहाँ पर जिनको जानते हैं सुनील नाम की वो व्यक्ति वो फरार है, उनको पकड़ नहीं पा रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, इसलिए शिवपुर थाना इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। आप उच्च न्याय जांच कराइए खुशी पाल मामले की, और हम लोग क्या सिर्फ इसीलिए जब तक हम लोग सारे लोग सर धरना नहीं देंगे आएंगे नहीं, क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा सर? नहीं यही बात है सर, सर सारी प्रोसेस थी, हमने कैंप सीओ से मिला सर, शिवपुर थाने से मिला, नए प्रभारी से मिला, नए शिवपुर के प्रभारी महिला संगठन से मिलना नहीं चाह रहे थे, जब हमने कहा लिखित दीजिए तब वो मिलने आए, कैंट सीओ से हम लोग सर 4 बार मिले हैं लेकिन उसके बाद भी पूरे मामले में हीरा हवाली की है, आज जिला अधिकारी भी हम लोगों के पास नीचे आए मिलने के लिए और वो कह रहे हैं कि देखिए हम देखते हैं, हमने पुलिस कमिश्नर को रेफर किया है, तो सर गरीब की लड़की कहाँ जाएगी, वो उसको न्याय कैसे मिलेगा? अब आप बताइए और इस पर सर लिखित दीजिए कि हमको जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए, जब तक आप लिखित नहीं देंगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे सर, बहुत दुखी हो गए। अब आप बोलिए देखिए, आज इन लोगों ने आया है, इनको ये आक्रोश था, टाइम 3 महीने ऊपर हो गया, अभी तक बरामदगी नहीं है। इस संबंध में हमने थाना अध्यक्ष से बात किया है और उन्होंने बताया, आश्वासन दिया है शाम तक जो है कुछ करेंगे, और इसमें उनको चेतावनी भी दिया गया है जो विवेचक है, अगर यदि 6 बजे तक शाम तक अगर बरामदगी नहीं कर रहे हैं या कोई नतीजा नहीं आ रहा है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, इस आश्वासन में ये लोग जो है फिर निकल गए थे, और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर जो है हम पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे। SOG टीम लगाया है, सर्विलेंस टीम भी लगाया गया है, ठीक है, उम्मीद है जल्दी से जल्दी नाबालिग को बरामद में सब कुछ बरामद करेंगे। आपके पास कोई क्यों है?
मिनट तो मैं पूछ तो रहा हूँ, दो मिनट में बात को रखी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।